न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया काशी के बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुँचे। गौरतलब है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास की जयंती के मौके पर वाराणसी के सीर गोवर्धन में मत्था टेकने पहुंचे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जब पीएम मोदी डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप पहुंचे तो उनका दिव्यांग जनों ने भव्य स्वागत किया। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। दुनिया में हर चीज ठोकर खाकर टूट जाया करती है, बस एक सफलता ऐसी चीज है जिसे ठोकर खाकर प्राप्त किया जा सकता है। पीएम मोदी के स्वागत में दिव्यांग जनों में गजब का उत्साह नजर आया और उनके सामने ही उनकी माँ गंगा के वाराणसी बुलाने वाले चर्चित भाषण को दोहराया गया। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो कभी मन से पीएम मोदी के हूबहू उसी अंदाज में और आवाज को अपने गले से भी निकाला गया। जब पीएम मोदी ने उन्हें अपनी मिमिक्री करने को कहा तो उन्होंने बखूबी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान की आवाज को हूबहू करके दिखाया। क्या शुभ नाम? सर अभय कुमार शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट सर। अरे वाह, अक्षर सर के लव के चैलेंज में भी मैं था सर। किसकी मिमिक्री कर सर? आपकी, राजनाथ सर की। अच्छा, हमारी करो। आपकी? हाँ। जैसे मन की बात में। हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मुझे बनारस में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर मैंने देखा तमाम लोग जो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे दिव्यांग लोग स्वेच्छा से आकर के और जिस दशा से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पीएम के स्वागत में हेलीपैड पर और भी दिव्यांग मौजूद थे, जिनके साथ पीएम ने हर हर महादेव और भारत माता की जय के जयकार के नारे लगा। दिव्यांगों में इस बात की खुशी थी कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री ने इतना समय दिया। इसमें दिव्यांग मिमिक्री आर्टिस्ट से लेकर दिव्यांग समाज सेविका और दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी भी शामिल थी।